हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं GTA 5, वो भी अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर। और गाइज, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसे कंट्रोलर की मदद से खेलूंगा, इसलिए यहाँ पे जो टच कंट्रोल्स होते हैं वो तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर गाइज, मैं सबसे पहले तो अपने गेम को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैं इसको स्टार्ट करके आप लोग को मिलता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी गेम है वो स्टार्ट हो चुकी है। और गाइज, इस वाली वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कई सारे बंदों का एक डाउट होता है कि अगर वो एक कंट्रोलर लेते हैं, वो भी अपने फोन पर क्लाउड गेमिंग करते हैं, तो क्या भाई उन लोगों के लिए ये चीज बेस्ट है या नहीं है। क्योंकि कई सारे बंदे होते हैं भाई जो टच कंट्रोल से खेला नहीं जाता है, तो वो लोग सोचते हैं कंट्रोलर लेने का। तो गाइज, अगर आप लोग कहोगे तो मैं एक हैंड कैम वीडियो बना दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि उसके अंदर लेटेंसी कितनी है। बाकी आप लोग का जो बंदे मतलब ऑलरेडी क्लाउड पर गेमिंग करते हैं, उन्हें पता होगा कि गेम्स कैसे चलते हैं। तो यहाँ पर ना गाइज, मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक मिशन करके दिखाऊंगा, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि फोन पर जो क्लाउड गेमिंग करते हैं तो उन लोगों के लिए कंट्रोलर बेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर गाइज, मैं सबसे पहले GTA ऑनलाइन के अंदर चला जाता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर जो हमारा GTA ऑनलाइन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले एक मिशन चलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोग देख लो जो सेंसिटिविटी है, और ये जो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ भाई, ये एक गेम पैड से कर रहा हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप लोग को एक अंदाज़ा भी मिल रहा होगा कि किस तरीके से गेम चल रहा है। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं अपनी एक गाड़ी को निकाल लेता हूँ गैराज से बाहर, फिर आप लोग को मिलता हूँ। वैसे गाइस, अपने पर गाड़ी तो बहुत सारी है, लेकिन हम लोग अभी के लिए तो इस वाली कार को लेके जाएंगे। और गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो ग्राफिक्स और रिफ्लेक्शन है, वो आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा हाई है मतलब। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो हम लोग गाड़ी अपनी बाहर निकालते हैं, और यहाँ पर आप लोग देखो भाई क्या ही रिफ्लेक्शन आ रहे हैं भाई। ऐसे तो भाई PC में भी नहीं आते मेरे। लेकिन गाइज, इसके अंदर क्या है कि 1080p आप लोग को एकदम अल्ट्रा सेटिंग पर गेम खेलने को मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जो 60 FPS है वो आप लोग को स्मूथनेस दिख रही होगी। तो यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले एक मिशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक टेराबाइट का मिशन होता है, रॉबरी इन प्रोग्रेस। तो मतलब जो कुछ रॉबर्स है जो मतलब कहीं पर रॉबरी कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से ना उन रॉबर्स से वो जो गोल्ड है, जो भी कैश वगैरह है, वो हमें उन लोगों से चुरा के लाना है। तो यहाँ पर देखो हमारा जो स्टार्ट हो चुका है, इसे क्लाइंट जॉब कहते हैं। और यहाँ पर देखो, हमें सबसे पहले तो अपनी वैन के अंदर जाना पड़ेगा, और कुछ सर्च करने के लिए कह रहा है, पहले वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर ना हम लोगों को बाहर के कुछ कैमरा आते हैं बैंक के बाहर के, कि हमें ये पता लगाना है कि किस बैंक के बाहर रॉबरी हो रही है। तो अभी हम उस लोकेशन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग इस वाले कैमरे के अंदर भी देख रहे हैं, तो भाई यहाँ पर भी नहीं है। मेरे ख्याल से थर्ड कैमरे में ज़्यादातर होता है, तो शायद से इसमें भी नहीं है। बाकी तो कोई लोकेशन यहाँ पर अलग ही मतलब पुलिस वाले दिख जाएंगे कि वो लोग रॉबरी होने से रोक रहे होंगे। तो यहाँ पर देखो पुलिस की कार खड़ी है, तो शायद से इसी बैंक में ही हम लोग को जाना है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार अंदर जाके अंदर के कैमरे में एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें यहीं पर जाना है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, ये बंदा खड़ा है, इसी ने मतलब रॉबरी कर रखी है, और हमें यही वाला बैग इसे छीन के लाना है, जिससे क्या होगा कि हम लोग को थोड़े बहुत कुछ पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग को इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्लाउड गेमिंग पे कंट्रोलर कैसा है। तो यहाँ पर हम लोग को गो टू प्लिका बैंक कह रहा है, तो सबसे पहले हम लोग वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑपरेसर मंगा लिया है। ऑपरेसर क्या है मैं आप लोग को बता दूँ, तो ये एक ऐसी गाड़ी है ना भाई, मतलब हर एक मिशन को करने के लिए आपको इसे ही हमेशा यूज़ करना चाहिए भाई। ये उड़ती है और GTA ऑनलाइन की सबसे बेस्ट मतलब व्हीकल है एक तरीके से ये। तो ये देख सकते हो यहीं पास में लोकेशन था, गो टू फ्लिका बैंक। तो जो फ्लिका बैंक है वो इधर ही है, तो हम लोग थोड़ा वहाँ पर चलते हैं। और बस कुछ नहीं, हमें कुछ बंदों को वहाँ पर टपकाना होगा, और अपने आप वहाँ से बैग लेके हमें कहीं पर डिलीवर करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गेम कैसा चल रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोग को तो एक अंदाज़ा मिल ही रहा होगा कि जो गेम है वो किस तरीके से चल रहा है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग रॉकेट लॉन्च करके उन लोगों को मार देते हैं, और फटाफट से जाके अंदर बैंक में से सामान बैग को लेके आ जाते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन है, देख सकते हो भाई जो अभी बारिश हो रही है, क्या खतरनाक आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग पहले इन लोगों को उड़ा देते हैं एकदम खतरनाक तरीके से। तो अब चलो हम अंदर चलते हैं, फिलहाल एक गन निकाल लेते हैं। और गाइस, मैं आप लोग को बता दूं यार, मैं ये फ़ोन पे ही खेल रहा हूँ, वो भी कंट्रोलर की मदद से। मतलब अगर आप लोग कंट्रोलर पे खेलना सीख गए ना, वैसे मुझे अभी आता नहीं है कंट्रोलर पे खेलना इतना अच्छे से, बाकी जो बंदा खेलना सीख जाएगा तो भाई वो बंदा क्लाउड पे भी बहुत अच्छी तरीके से खेल सकता है। अब गाइस, मैंने बूस्टरॉयड के ऊपर एकदम डिटेल वीडियो बना रखी है, इधर साइड में आई बटन पे लिंक आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें इसे मारना है, नहीं यार। तो हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं, पिछली बार यहाँ पे ना आग लगी पड़ी थी, इस चक्कर में भाई मैं मर गया था, लेकिन इस बार नहीं मरूंगा, क्योंकि भाई देखो इसे अब मैं आराम से मार दूँगा। यहाँ पे मैंने इसको टपका दिया, लगा नहीं मरा नहीं है ये, अभी यहाँ पे मर जाएगा शायद से, हाँ मर गया। चलो तो अब ये हमें बैग को लेना है और चुपचाप से निकलना है। लेकिन जो पुलिस है भाई 2 स्टार की, वो हमारे ऊपर लग चुकी है, वो भाई वो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भाई हमने अभी बैंक को जो रॉबरी हो रही थी
उसे हमने रोका नहीं है, असल में हम वही बैग चुराने आए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई, जो पुलिस की गाड़ियाँ हैं वो आ चुकी है, लेकिन ये हमारा क्या ही बिगाड़ सकती है, हम लोगों के पास खतरनाक वेपन्स है, हम इससे इन लोगों को टपका देंगे। तो बस अब यहाँ पर हम लोगों को ना पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ाना है। और बाकी जो आप लोगों का गेम का जो एक्सपीरियंस है वो दिख रहा होगा किस तरीके से चल रहा है यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो कंट्रोलर से भाई बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, टच कंट्रोल से भाई बिल्कुल नहीं गेम खेला जाता, मैं आप लोग को बता दूँ तो भाई मेरे से तो नहीं खेला जाता, बाकी आप लोगों की बात अलग है। तो जो इसके तो यहाँ पर ना अब हम लोग को इसे पुलिस वालों से पीछा छुड़ाने के लिए ना हमें सिंपल से एक ऐसे लोकेशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पर पुलिस वाले ना आ पाए। तो भाई मैं एकदम हवा में उड़ा के आ चुका हूँ, क्योंकि देखो इतने ऊपर तक भाई पुलिस वाले नहीं आ सकते, तो मैं अभी यहाँ इस बिल्डिंग पर रुक जाता हूँ, और वो देख सकते हो जो स्टार है मेरे ब्लिंक कर रहे हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर अभी आराम से मैं अपनी व्हीकल को उतार लेता हूँ, तो बाकी मैंने इसको उतार लिया, अब यहाँ पर सिंपल से थोड़ा सा वेट करूँगा और यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो अपने स्टार से वो हट जाएंगे। तो जहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिकली हट चुके हैं, तो जिस लोकेशन पे हमें बैग को डिलीवर करना है वो लोकेशन आ चुका है, तो अब हम लोग वहाँ पर चलते हैं, और वो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो हम लोग इसे फटाफट से कर लेंगे। वैसे भी अपने पास ऑपरेशन है, तो हम लोग इसकी मदद से बहुत जल्दी किसी भी मिशन को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर मतलब वो लोकेशन है, तो चलो देखते हैं वहाँ चल के, और इसको हम लोग डिलीवर कर देंगे और ये जो हमारा मिशन है वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। और बाकी यहाँ पे आप लोग भाई ग्राफिक्स देख सकते हो भाई कैसे आ रहे हैं, आप लोगों को अंदाज़ा मिल रहा होगा। अगर कुछ बंदे जो बंदे चिकी पर खेलते हैं तो भाई उन लोगों को तो साफ दिख रहा होगा कितना ज़्यादा अंतर है। असल में आप लोगों को मैं बताऊँ तो यार जो चिकी वाले हैं ना जो ग्राफिकल सेटिंग्स है उसको बहुत लो पर रखते हैं, लेकिन गाइस ये जो बूस्टरॉयड वाले हैं एकदम हाई सेटिंग्स पे आप लोगों को गेम खिलाते हैं। बाकी कई सारे ऐप्स होते हैं लेकिन इसके अंदर भी ऐसा ही है, और 1080p तो भाई बहुत अच्छी बात है, बस आप लोग का जो इंटरनेट है वो अच्छा होना चाहिए भाई, वरना भाई क्लाउड गेमिंग में कोई मज़ा नहीं आएगा जो आप लोग सोच रहे हो। तो आप लोग का हो सके तो 2 Mbps तो देना ही चाहिए पर सेकेंड, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी हम लोग यहाँ पर आराम से अपने गाड़ी को लैंड करा लेते हैं और यहाँ पर हमने बैग को डिलीवर कर दिया। तो यहाँ पर जो हमारा मिशन है वो पास हो चुका है और हम लोग को यहाँ पर मिल चुके हैं 32,000। तो गाइस मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग क्लाउड गेमिंग फ़ोन पर करते हो तो गाइस मैं आप लोगों को बिल्कुल कहूंगा कि भाई आप लोगों को एक कंट्रोलर लेके खेलना चाहिए, भले ही वो वायर्ड हो या फिर वायरलेस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी अगर आप लोग कंट्रोलिंग करते हो ना तो भाई आप लोग के लिए भाई कंट्रोलर एक बेस्ट ऑप्शन है। इन फ्यूचर अगर आप लोग PC लेते हो तो भाई वो उसमें भी काम आएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग लोगे तो आप लोग का वेस्ट ऑफ मनी है। तो गाइस ये एक मैं आप लोग को इन फ्यूचर हैंडकैम वीडियो भी बना के दिखा दूंगा कि आप लोग को किस तरीके से लेटेंसी वगैरह देखने को मिलती है। बाकी अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।